हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, बिना मेकअप सुंदर दिखने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी जो आपके चेहरे की रंगत निखार कर खूबसूरती को 10 गुना बढ़ा देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जहां कुछ महिलाएं सुंदर दिखने के लिए भर भर के मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, तो वहीं कुछ कॉलेज गर्ल्स ऐसी हैं जो मेकअप को करना पसंद ही नहीं करती। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो आपके चेहरे की रंगत निखार कर खूबसूरती को इतना बढ़ा देगा कि आपको मेकअप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सॉल्यूशन को बताने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, बिना मेकअप सुंदर दिखने के लिए आप सबसे पहले एक टोमेटो लीजिए और इसे पीसेस में काटकर एक ग्राइंडर की हेल्प से बारीक पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए ऐसा। अब आप एक खाली बाउल लीजिए और इसमें 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच लेमन जूस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें यूज किए गए सभी इंग्रेडिएंट नेचुरल होने के साथ साथ स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं और हर स्किन टाइप वालों के लिए फायदेमंद हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसे अपने साफ चेहरे पर इस तरह से अप्लाई करके 20 से 25 मिनट ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 25 मिनट बाद जब भी ड्राई हो जाए तो आप इसे 2 मिनट रब करते हुए वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा आप वीक में 3 से 4 बार कीजिए। आपकी स्किन निखर कर इतनी ग्लोइंग एंड ब्राइटन हो जाएगी कि आपको मेकअप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बिना मेकअप के ही हद से ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो आप इसे आजमा कर जरूर देखें। आई होप कल आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लेकर आते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।